शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा पंचानन राजे ओ प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुरासन हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 शभुजते सोए तीनो रूप निराकत त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा केसर मृग मद चंदा भले शुभ कारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाग्रांबर अंगे ओ भोले वाग्रांबर अंगे सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार करमधे चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका ओ शिव जानत विवेका क्षर के मध्या ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाग्रांबर अंगे ओ भोले वाग्रांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे ओम जय शिव ओंकार परमधे चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव।
अक्षर के मध्य प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव अक्षमालावन माला रुंड माला धारी ओ भोले रुंड माला धारी त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओ भोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मनवा चित्त फल पावे ओम जय शिव ओंकारा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे ओ प्रभु जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 पंचानन राजे ओ प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुरासन हंसा सुबह के लगभग 7 बजने को आए और हम भुजभाषा के कैंप में खड़े हैं। करीब 6 बजे उठे थे। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है, रात भर अच्छी ठंडी थी, नींद अच्छी आई। 4 लोगों के टेंट में हम 2 ही लोग थे, मनोज और मैं। ये यहाँ का नज़ारा देखिए, ये पीछे आपको हमारा किचन का टेंट दिख रहा है। डॉक्टर शर्मा पिक्चर उतार रहे हैं। ये हमारा डाइनिंग का टेंट है और उसी टेंट में शर्मा जी और उनके 3 साथी सोए थे।
ये जो टेंट दिख रहा है उसमें साठे साहब और उनके साथी सोए, पीछे जो ऑरेंज वाला टेंट है उसमें डॉक्टर लक्ष्मी और उनके भाई सोए थे, और इसमें मनोज और मैं। और वो जो आपको पिंक टेंट दिख रहे हैं छोटे, वो हमारे टॉयलेट टेंट है। बर्फीले पहाड़, और ये देखिए सूर्य की किरणें। ये यहाँ की पंछी है, अब मैं हमारे किचन के टेंट के पास आया हूँ। ये हमारा सपोर्ट स्टाफ है, हमारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। ये भाई देखिए, आपका नाम? सुनील कुमार। गांव कौन सा है आपका? मनेरी डिडसारी। अच्छा, अब मैं किचन के टेंट के अंदर जाऊंगा। जय भोले की। जय भोले। ये हमारे ग्रुप के लीडर है, आपका नाम बताइए? विपुल। विपुल बहुत अच्छी तरह हमारी देखभाल कर रहे हैं, और कल इन्होंने रहने की इतनी अच्छी सुविधा की, चार लोगों के टेंट में हम दो लोग इतनी अच्छी तरह सोए कि पूछो मत। ये हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है कि लंच बन रहा है? ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, और ये हमारे जो कुक है, आपका नाम जी? नरेंद्र से है सर, नरेंद्र से है। अच्छा, और गांव कौन सा है आपका? हाँ सर, गांव कौन सा? मनेरी कामर पड़ता है सर। ओके जी, ओके सर। और ये भाई, ये भी सपोर्ट स्टाफ है, बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं हमको। देखिए क्या बन रहा है, सब्जी। ये सब्जी बन रही है सर, ये सब्जी बन रही है। ठंडी में बहुत मजा आएगा ये खाने में, ये पानी गर्म हो रहा है, हमको पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है, सुविधाएं सब बहुत अच्छी है। जय भोले की। जय भोले की। रेकॉर्डिंग चालू केलेलं आहे। ओके विपुल जी, अब जो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये हमारा भुजबासा का कैंप है, और वो जो पहाड़ दिखते हैं वो कौन से हैं? भागीरथी 1 2 3। भागीरथी वो जो तीन टोक दिख रहे हैं 1 2 और 3। आज हम कैसे जाएंगे? सीधा रास्ता है। हाँ, सीधा रास्ता। अच्छा, वाला रास्ता और गौमुख तक कोई चढ़ाई जो दिख रही है वो नहीं, ये सीधा है। और रास्ता मुश्किल है, चढ़न विड़न है ज्यादा? अच्छा, टफ है। कल का तो काफी आसान था। अच्छा, चलो जय भोले की। और कितना टाइम जाएगा लगभग? हाँ, माल पे डिपेंड करता है, आप कितना चलो। 5-6 घंटे तो लगेंगे। चलो जय भोले की। सुबह के लाइट उल्टा 8:15 बज गए, और अब हम निकल रहे हैं भुजबासा से गौमुख के लिए। अब हम चल के जा रहे हैं भुजबासा से गौमुख की तरफ। पीछे आपको भुजबासा का कैंप दिख रहा है, ये वो रूट है जिस पर हम चल के आए हैं। ये नज़ारा यहाँ का,
इस रास्ते पे हम चल के जाएंगे। थम्स अप दिया, चालू के लगी। जय भोले की। अभी विपुल जी ने हमको बताया है वो भगीरथ 1, भगीरथ 2, भगीरथ 3। उसके बाद विपुल जी गौमुख कहाँ पर आया? वो सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है वो गौमुख है। हम अभी उस रास्ते पे चल के जाएंगे और ये पीछे का जो पहाड़ है ये शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जो है तपोवन है। भोले बाबा की मर्जी रही तो विपुल भाई हमको आज रात तपोवन तक पहुंचा देंगे, आज शाम तक। जय भोले की। जय भोले। ये देखिए जंगली बकरी, इनको हमारा कोई डर नहीं लग रहा है क्योंकि इस एरिया में नॉनवेज खाना मना है। पूरा झुंड है, पानी पीने आए हैं। पीछे के हिस्से में नदी बह रही है। और ये बर्फीले पहाड़ हैं। ये बरड़ है। अच्छा, ये बरड़ है। बरड़ है, माउंटेन गोट। हाँ, माउंटेन गोट, इसे बरड़ कहते हैं। अभी विपुल ने हमको बताया। मैं जितना हो सके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ तो मैं शायद आपको नहीं दिखा पाऊँ। नज़दीक जाने के पास के बाद अगर मौसम ख़राब हुआ तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जय भोले। सुबह के लगभग 10:15 बज गए हैं और हम गौमुख के बहुत पास पहुँचे हुए हैं। ये गंगा बह रही है जो गौमुख से निकली हुई है। बहाव ज़रा ज़्यादा है तो पार करने को तकलीफ होगी। अब ये फैसला लेना है कि आगे बढ़ना है या यहीं पर रुकना है। ये जो कल तपोवन की तरफ गया था ये वो ग्रुप है। अब ये रस्सी के सहारे गंगा पार करके इस तरफ आएंगे और फिर भुजबासा कैंप में जाएंगे। हमारे बाकी के साथी वहाँ पर ऊपर रुके हुए हैं। अब जब तक फैसला नहीं लिया जाएगा हम यहीं पर रहेंगे।
हम लोग करीब गौमुख के पास पहुंचे हैं और ये देखिए लैंडस्लाइड, कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड हो रहे हैं। गौमुख से करीब 200 मीटर पहले बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था हमारे आने से पहले, तो चलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, बहुत कठिन था। उसमें का थोड़ा सेक्शन का हमने रिकॉर्डिंग किया, बाकी जो है कर भी नहीं पाए और हमारे दो साथी आगे नहीं बढ़े, वहीं पे रुके। ये मैं आपको लैंडस्लाइड का नज़ारा दिखा रहा हूँ, इसके वजह से हम नदी को पार भी नहीं कर पाएंगे और तपोवन भी नहीं जा पाएंगे। हमारी यात्रा गौमुख तक ही रहेगी। ये सब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये देखिए ये कंडीशन है। चलने के लिए इसमें हमको फुट होल्ड ढूंढ ढूंढ के चलना पड़ता है। ये देखिए भगीरथ के तीन पीक और ये शिवलिंग का पीक। अब मैं जाऊंगा गौमुख की तरफ और वहां पर पहुंचने के बाद आपको रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। ओके माला, दोपहर के 12:30 बज गए और करीब 6 किलोमीटर चल के अगर आपको अपना बैग हम गौमुख तक आ गए हैं। आपको पीछे जो दिख रहा है गौमुख ग्लेशियर है, हम जो बैठे हैं वो भी ग्लेशियर है और वहां से गंगा का जन्म स्थान है। उसी के पीछे आपको शिवलिंग पर्वत का दर्शन हो रहा है और इस तरफ जो है भगीरथ 1, 2 और 3, ये तो तीनों पीक है। मौसम अच्छा है लेकिन लैंडस्लाइड के वजह से हमारा आने का जो रूट था ब्लॉक हुआ था, चलने को काफी दिक्कत हुई। हमारे दो साथी पीछे ही रह गए, आगे आए नहीं। करीब लास्ट 200 मीटर्स इट वाज अ प्रॉब्लम, बिफोर दैट इट वाज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं थी। जय गंगा मैया। ये गौमुख है, ये शिवलिंग है और हम चार लोगों ने फैसला किया है कि हम आगे तपोवन की तरफ जाएंगे। गौमुख से करीब 400 किलोमीटर आगे आए हम, स्टीप चढ़न था और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चढ़न हमको तपोवन को ले जाएगी। हमारे तीन साथी, मैं और एक हमारा गाइड, लोग सिर्फ 5 लोग निकले हैं, बाकी सब जो है रिटर्न हो गए भुजबासा को। ये आपको दिख रहा है शिवलिंग और ये हम बैठे हैं गौमुख ग्लेशियर पे, जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं और इसी को पार करके हमको चलना है। ये देखिए, ये आपको भगीरथ पीक दिख रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है लेकिन पत्थर गिरने के वजह से चलने को काफी तकलीफ हो रही है, जैसे हमेशा होता है। एक बार बड़े पत्थर पे पैर रखा मैंने ये सोच के कि वो पत्थर स्टेबल है, लेकिन वो पत्थर हिला और मैं ऐसे गिरा, कमर और कमर का ऊपर का भाग भार था, मैं नीचे गिर गया था। और फिर ये जो हमारे गाइड है ये आए और इन्होंने मुझे सहारा देके खींच के वहां से बाहर निकाला। जय भोले की। तो देखिए
नीचे पिघला हुआ है, तो पानी भयंकर बह रहा है। मैं पार करके इस तरफ आया हूँ, बाकी के जो मेरे साथी है, अपना जो गाइड है, उनको मदद कर रहा है। पानी जो है बोन चिलिंग, आइस कोल्ड, और इसका बहाव जो है 12 बजे के बाद बढ़ते जा रहा है, और समझो 15-20 मिनट होते तो हम ये पार भी नहीं कर पाते। यहाँ से ऊपर हम चढ़े तो तपोवन पहुँच जाएंगे, लेकिन भयंकर कठिन रास्ता है, और हम चार ही लोग यहाँ तक आए हैं। वो देखिए 70 साल के साथ है, गुजरात में है भाई, और मेरे साथी मनोज, तो पीछे आ जाए। जय भोले, ये हमारे आज गाइड है। हम चार लोगों को तपोवन ले जाने की जवाबदारी इनकी है। अभी तक बहुत अच्छी तरह हमको लाए हैं। 12 बजे के बाद बर्फ पिघलने लगता है, और आकाश गंगा जो सिवनी पर्वत से निकलती है वो बहने शुरू हो जाती है। अब हम इसको जो पार करके आए, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाया, तो भाई ने इतना संभाल के हमको लाया, जरा भी पैर फिसलता तो हम सीधा नीचे गांव पे पहुंच जाते, है कि नहीं। पीछे आपको बहुत ज्यादा पानी और ठंडा पानी था, पीछे आपको भगीरथ नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, और अब हम ऊपर जाएंगे तपोवन, और फिर वहां से आपको नजारा दिखाएंगे बाकी। जय भोले जी, जय भोले जी।
बोले पवन में एंट्री की है। एक जनार्दन शरण के 7:30 बज गए हैं और हम तपोवन के मौनी बाबा के आश्रम में बैठे हैं, मैं और मेरे 3 साथी। हम यहाँ पर बैठ के प्रभु के गुण गा रहे हैं, ऊपर वाले की तारीफ कर रहे हैं कि हमारी यात्रा इतनी अच्छी तरह सफल हो गई। जय भोले की जय भोले। सभी भगवानों को याद करके देवों के देव महादेव उनकी स्तुति लेते हैं। सबसे पहले प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम मंगलम नकार मंगलम ना मंगलम नकार मंगलम नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम नाद तीत कला बिंदु केव मंगलम मा मंगलम मकार मंगलम मा मंगलम मकार मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम शिव मंगलम शिवाय मंगलम शिव मंगलम शिवाय मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म रूप वेद मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म वृत्त वेद मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वाद भेद रहित पर ब्रह्म मंगलम वाद भेद रहित पर ब्रह्म मंगलम या मंगलम यकार मंगलम या मंगलम यकार मंगलम यथा तत्व परिज्ञान वेद मंगलम यथा तत्व परिज्ञान वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम
ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। ये मौनी बाबा है यहाँ के, इनके शरण में हम आए हैं। जय भोले की। ढोल बजाना आता है किसी? आपको आता है ना? मुझे आप अगर बजाओ ना तो शिवजी की एक मेरे पास ऐसी ऐसी मजेदार धुन है, बहुत मजा आएगा। आप बजाओ। बाबा ही बजाएंगे। बाबा बजाएंगे। मुझे भी नहीं आता है। चलो मैं बजाऊंगा। ओके मनोज, जैसे बजाना बजाओ, जैसे बजाना है वैसे बजाओ। घूमला घूम जाना, रिकॉर्डिंग कर चालू हो गई। मतलब बंद करके फिर जब चालू है तो बंद बटन दबा के चालू चालू है। रिकॉर्डिंग उधर वो जो लाल वाला है। चलो रिपीट कीजिए। कैलाश मा डमरू डम डम बाजे, 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 सोएला मानव जागे रे डमरू, सोएला मानव जागे रे डमरू, डम डम बाजे डम डम बाजे, शिव की जटा चक्कर लगाए रे डमरू, चांदनिया चक्कर लगाए रे डमरू, डम डम बाजे डम डम बाजे, शिव की जटा में ब्रह्मा विराजे, शिव की जटा में ब्रह्मा विराजे, कैलाश में वीणा बजाए रे डमरू, कैलाश में वीणा बजाए रे डमरू, डम डम बाजे डम डम बाजे, शिव की जटा में विष्णु विराजे, शिव की जटा में विष्णु विराजे, अरे शिव की जटा में विष्णु विराजे, शिव की जटा में विष्णु विराजे, कैलाश मा शंख बजाए रे डमरू, कैलाश मा शंख बजाए रे डमरू, डम डम बाजे डम डम बाजे, शिव की जटा में शंकर विराजे, शिव की जटा में शंकर विराजे, शिव की जटा में शंकर विराजे, कैलाश मा तांडव रचाए रे डमरू, कैलाश मा तांडव बचाए रे डमरू, डम डम बाजे डम डम बाजे, शिव की जटा में कृष्णा विराजे, शिव की जटा में कृष्णा विराजे, शिव की जटा में बोलो सियावर राम।
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। चलिए लीजिए you
पहले हमने भगवान को थोड़ा प्रसाद चढ़ाया था बाबा के हाथों, सबको एक एक दाना दिलवाएंगे। जय बोले मौनी बाबा जी हमारे लिए प्रसाद लेके आ रहे हैं। ये मनोज के लिए रखा, ये रखा है लक्ष्मी के लिए। चालू थे यहाँ पर हाथ धोने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो धो लिया था वैसे, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। नहीं, बाहर से अंदर आने टाइम गर्म पानी से धो लिया मैंने। आप खाओ खाओ, हम बाद में करेंगे।